पिछले 10 सालों की बात करें तो जो भी चेंज देखा अपने इंडस्ट्री में, तो वो बॉडी बिल्डिंग का या फिटनेस का इंडिया में, उसके बारे में क्या कमेंट है? 10 साल पहले कैसा था कि सबको लगता था कि बॉडी बिल्डिंग इज फिटनेस, इसलिए जितने नॉर्मल लोग थे, कॉमन लोग थे, वो जिम में नहीं जाते थे। उनको लगता था कि मुझे बॉडी बिल्डिंग करना ही नहीं तो मैं जिम में क्यों जाऊँ। सो आजकल ट्रेंड चेंज हो गया है, बॉडी बिल्डिंग इज अ पार्ट ऑफ फिटनेस। मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि बॉडी बिल्डिंग इज अ पार्ट ऑफ फिटनेस। आपको फिटनेस पहले बनाना है, आपको फिट बनना है, उसके बाद आप बॉडी बिल्डर बन सकते हो। देन यू कैन बिकम एक्टर, यू कैन बिकम मॉडल, यू कैन बिकम लाइक एनी, यू कैन बिकम एनी स्पोर्ट्स पर्सन, लेकिन उसके लिए आपको फिट होना बहुत ज़रूरी है। और ये 10 साल में बहुत सारी चेंजेस इसमें आ रही है, क्योंकि पहले वीमेंस को जिम में अलाउड नहीं किया जाता था, वीमेंस जाती नहीं थी जिम में। जिम को ऐसा बोला जाता था कि ओनली फॉर मेन, ओनली फॉर बॉयज़। लेकिन आजकल ऐसा हो रहा है कि वीमेंस ज़्यादा फिटनेस में आ रहा है, पोस्चर भी देखते रहेंगे तो वीमेंस ज़्यादा है आजकल फिटनेस में, और उनके कारण फिटनेस ज़्यादा बढ़ रहा है। क्योंकि अगर एक फीमेल फिट हो जाती है तो उसका पूरा फैमिली फिट होता है, इसलिए वीमेंस को फिटनेस में आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वीमेंस किसी की माँ रहती है, किसी की वाइफ रहती है, किसी की सिस्टर रहती है, अगर उनको पता चलेगा कि फिट क्या, फिटनेस क्या है, सो वो पूरा फैमिली फिट हो जाता है। सो इन 10 साल में बहुत ज़्यादा चेंजेस फिटनेस में हो रहे हैं। जैसे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में लोग जा रहे हैं टू अर्न द मनी, अर्न द फेम, नेम उसमें हो रहा है उनका, उसी तरीके से आजकल फिटनेस में भी वो सारी चीज़ें आपको मिल रही है। आप फिट होकर ये सब चीज़ें कर रहे हो, दैट इज़ द बेस्ट थिंग, क्योंकि आपको खुद के फिटनेस के लिए करना है, और उसी में आप करियर करके आपका पैशन अगर आपका प्रोफेशन बन जाता है, सो नथिंग इज़ लाइक दैट। सो सेम थिंग इज़ विथ मी। बाय एजुकेशन आई एम एन इंजीनियर, बट माई पैशन वॉज टू बी फिट, बॉडी बिल्डिंग, और मेरा पैशन ही मेरा प्रोफेशन बन गया, सो आई एम द लकीस्ट पर्सन। ओके सर, तो इसके अलावा ये जानना चाहेंगे कि भी हाल ही में हमने देखा है इस ट्रेंड, पिछले 5 सालों में, 4 सालों में, ये फिटनेस को एक एज ए इंडस्ट्री कई लोगों ने इन्वेस्टमेंट का एक तरीका माना है कि इसमें इन्वेस्ट करना चालू किया है, बट दे आर नॉट फ्रॉम द सेम बैकग्राउंड। सो व्हाट यू वांट टू से कि आउट ऑफ 10 जिम्स 6 से 7 जिम 1 साल या 1.5 साल के अंदर खुलते ही बंद हो जाते हैं, उसका मेन रीज़न क्या समझते हैं आप, क्या कारण क्या होता है उसका? हर कोई जिम खोलता है, आजकल जिम क्यों खोले जाते हैं, एज अ बिजनेस इट्स गुड थिंग कि बिजनेस जिम में अच्छा है, लेकिन अगर आप अच्छी तरीके से प्रोफेशनली उस फील्ड में आते हो तो यू कैन डू सो मेनी थिंग्स, यू कैन डू मिराकल्स इन फिटनेस। क्योंकि लोगों को फिट बनने के लिए आप कुछ बना रहे हो, और लोगों का फिटनेस बनाना एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप किसी को फिट बनाते हो सो दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप टू मेक इंडिया फिट। जो इंडिया मेकिंग इंडिया फिट मिशन चालू है, वो उसका बैकग्राउंड वही है कि अगर आप फिट बनना चाहते हो तो खुद से स्टार्ट करो। सो नॉन फील्ड होके भी फिटनेस की अगर आप जिम्स खोल रहे हो, उनका आपका मोटो कुछ भी रहे, मे बी टू अर्न द मनी, टू मेक अ बिजनेस, लेकिन आप एक अच्छा काम कर रहे हो जिससे आप 8 या 10 लोगों को जॉब भी दे रहे हो, उसके साथ उनका मे बी फैमिली रन कर रहे हैं, आपके बिजनेस के अगर उनका फैमिली रन हो रहा है, और आपके जिम में जितने लोग आ रहे हैं आप उनको भी फिट कर रहे हो। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे कि विदाउट नॉलेज सिर्फ ऐसा इसलिए जिम खोल रहे कि दूसरे ने जिम खोला है, उसके जिम में 1000 लोग जा रहे हैं तो मैं भी खोलूंगा तो मेरे जिम में भी लोग आ जाएंगे और मुझे भी एक बिजनेस मिल जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। फर्स्ट ईयर इज़ वेरी गुड फॉर एवरीवन, इट्स लाइक हनीमून, क्योंकि पहले साल में आपको सारे नए क्लाइंट मिल जाते हैं, लेकिन इट्स सर्विस इंडस्ट्री, जब तक आप उनको सर्विस नहीं देते हो, जब तक आप उनकी केयर नहीं करते हो आपके क्लाइंट्स की, आपके कस्टमर्स की, नेक्स्ट टाइम वो कस्टमर रिपीट नहीं होगा। तो आपको हर टाइम नए कस्टमर ढूंढने पड़ेंगे, नए क्लाइंट्स ढूंढने पड़ेंगे। उससे अच्छा है कि अगर आप जो आपके इन हाउस मेंबर्स हैं उनका ख्याल रखेंगे, उनकी नीड्स कंप्लीट करेंगे, तो डेफिनेटली आपको आपके घर के लोगों को ही फिट करना है, आपको बाहर के लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो अगर इस इंटेंशन से आप चलते हो तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड बिजनेस। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइक न्यू वेंचर एंड विश यू द बेस्ट फॉर अगले सालों में आप और भी जिम खोले, सो दैट आई कैन ऑल्सो कम टू सी योर प्रोग्रेस एंड आई कैन शेयर माई नॉलेज टू द पीपल, बिकॉज 15-20 साल से यही कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि अगर हम लोग जो सीनियर्स है अपना नॉलेज शेयर करेंगे तो डेफिनेटली बहुत सारी अच्छी चीज़ें हो सकती है। वी ऑल्सो होप कि इरफान जी बहुत जल्दी अपने और भी सेंटर्स के साथ आएँ और हम आपको फिर से इन्वाइट करें, राइट? सो थैंक यू गाइज फॉर लिसनिंग टू अस।